अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं 150 वॉट्स के पैनल के बारे में। जो कॉमन मैन है उसकी नज़र में सबसे पहले जो पैनल आता है वो 150 वॉट्स का आता है, और जब भी कोई सोलर सिस्टम की फील्ड में कोई एंटर होता है तो सबसे पहले वो अपना एक्सपीरियंस जो करता है वो छोटे पैनल्स के साथ करता है, यानी 150 वॉट्स के पैनल का वो इस्तेमाल करता है। तो 150 वॉट्स के पैनल के बारे में हम इस वीडियो में तफसील से बात करेंगे कि उसके ऊपर कौन कौन सा लोड चलाया जा सकता है, उसके वोल्टेज और एम्पीयर्स कितने होते हैं, और वो उसकी हम कैसे जो हैं वो कनेक्शंस बनाते हैं, और उसके साथ हम क्या क्या चीज़ें और ऐड करके हम लोड चला सकते हैं। ये सारी बातें, ये सारी मुफीद बातें जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपके सामने एक पैनल के बारे में उसकी डायमेंशन का जिक्र करूँगा कि उसकी डायमेंशन कैसे होती है। तो पैनल होता है उसकी, जो ये उसकी विड्थ है, और विड्थ होती है 2.2। टिपिकली इट कैन वेरी, ये मुख्तलिफ हो सकता है, मुख्तलिफ कंपनीज़ का पैनल डिफरेंट डायमेंशन का हो सकता है, बट टिपिकली ये आमतौर पे 2.2 फीट का होता है, तकरीबन 2.2 फुट का ये तकरीबन इसकी विड्थ होती है। और इसकी जो लेंथ होती है वो आमतौर पे 4.9 फीट, यानी तकरीबन 5 फुट के करीब करीब ये लंबा होता है ऐसे, और चौड़ाया जो है तकरीबन ये 2.2, यानी 2.25 फुट के करीब ये चौड़ा होता है। तो ये होता है एक छोटा तकरीबन जो जिसको हम कहते हैं 150 वॉट्स का पैनल। अब 150 वॉट्स जो हैं इसके हमें आउटपुट पे करंट कितना देता है, कितने एम्पेयर देता है। तो हर पैनल के का एक एक लीड उसकी जो होती है वो होती है पॉजिटिव, और दूसरी जो लीड होती है उसकी होती है नेगेटिव, जहाँ पर MC4 कनेक्टर्स लगे होते हैं, राइट। तो यहाँ पर हम अगर उसके MC4 कनेक्टर्स जब यहाँ पे अटैच होते हैं इस जगह पे, एक मेल होता है और एक फीमेल होता है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, मल्टीमीटर लेते हैं, और मल्टीमीटर लेके एक पॉजिटिव लीड जो है यहाँ कनेक्ट करते हैं, नेगेटिव लीड यहाँ कनेक्ट करते हैं, रेड यहाँ और ब्लैक यहाँ, तो हमें जो है वो पैनल के वोल्टेज मिल जाते हैं, राइट। बहुत ही ईजी है इसके वोल्टेज चेक करना। तो आपने एक मल्टीमीटर लेना है ऐसे, यानी जिसको हम DMM कहते हैं, यानी वोल्ट मीटर, आपने वोल्ट चेक करने हैं उसके, तो ऐसे डिस्प्ले पे आपको वोल्ट नज़र आएंगे। तो उसकी जो एक होगी रेड वायर और एक होगी ब्लैक वायर, तो एक है रेड एक है ब्लैक। जो रेड वाली है वो आपने कनेक्ट कर दी है पॉजिटिव के साथ, और जो ब्लैक है वो आपने कनेक्ट कर देनी है नेगेटिव MC4 कनेक्टर के साथ, जो कि पैनल के साथ लगे होते हैं। तो यहाँ पर आपको जो वोल्टेज शो होगी वो तकरीबन 20 वोल्ट से लेकर तकरीबन 20 के आसपास होगी, 20 वोल्ट, 22 वोल्ट, ये डिफरेंट पैनल्स ये डिफरेंट जो है वोल्टेजेस होते हैं, और ये सूरज की जो शुआएं हैं उस पर भी डिपेंड करता है कि दिन में कौन सा टाइम है और कितनी इंटेंसिटी है लाइट की। आमतौर पर ये 20 से 22 वोल्ट के आसपास वोल्टेज देता है। अच्छा जी, अब बात करते हैं करंट की। तो करंट हम कैसे मेजर करते हैं, 150 वॉट का पैनल हो या कोई भी पैनल हो, उसका जो वोल्टेज चेक करने का और करंट का मेजर करने का जो तरीका है वो सेम है। अब ये जो हम वोल्टेज मेजर कर रहे हैं इसे कहते हैं ओपन सर्किट वोल्टेज। ये ओपन सर्किट वोल्टेज जो हमें यहाँ दिखाई दे रहे हैं वो ओपन सर्किट वोल्टेज है, क्योंकि अभी ये सर्किट में कनेक्ट नहीं हुआ। जब ये सर्किट में कनेक्ट हो जाएगा तो इसके वोल्टेज थोड़े से ड्रॉप हो जाएंगे, 2 से 3 वोल्ट ड्रॉप हो जाएंगे, लेकिन अभी जो है वो 20 से 22 वोल्ट ओपन सर्किट, 22-23 भी आ सकते हैं, राइट। अब हम बात करते हैं करंट कैसे मेजर करें। तो करंट मेजर करने का ये तरीका है कि आपने क्या करना है, इसकी जो पॉजिटिव और नेगेटिव लीड्स हैं, यानी कि जो यहाँ MC4 कनेक्टर्स लगे हुए हैं, उसको आपने आपस में शॉर्ट कर देना है, ठीक है। एक MC4 कनेक्टर ये है और एक MC4 कनेक्टर ये है, इन दोनों को आपने आपस में शॉर्ट कर देना है ऐसे, ठीक है। मेल वाली साइड जो है वो फीमेल में प्लग कर देनी है, दोनों को आपस में शॉर्ट कर देना है, ठीक है। टेम्परेरी शॉर्ट करना है, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए इसको आप शॉर्ट करके ना रखें, इससे पैनल का ख़राब होने का खतरा होता है, तो इसको आपने खाली शॉर्ट टर्म के लिए जो है वो शॉर्ट करना है। शॉर्ट करने के बाद आपने एक ले लेना है क्लैंप मीटर, ठीक है, जो DMM की तरह होता है, क्लैंप मीटर आपने ले लेना है। क्लैंप मीटर में आपने जो उसका क्लैंप है वो यहाँ पर ऐसे फंसा लेना है, और आप जो है उसको एम्पेयर पे सेट कर लेंगे, 40 एम्पेयर पे उसकी रीडिंग सेट कर लें, तो आपको जो है वो उसके एम्पेयर जो है वो शो हो जाएंगे। यानी क्लैंप मीटर में आपने ऐसे इसको क्लैंप किया, ऐसे क्लैंप करने के बाद जो उसकी रीडिंग आपको शो होगी एम्पेयर में वो तकरीबन होगी शो ऑलमोस्ट, जो अगर सूरज की शुआएं अच्छी हैं, दिन में 12 से 2 बजे का टाइम है, तो आपको तकरीबन 7 से 8 एम्पेयर के करीब करीब मिलेंगे, तकरीबन 7 से 7.5 एम्पेयर जो हैं वो आपको एक नॉर्मल टिपिकल पैनल के मिलते हैं, इससे ज़्यादा भी मिलते हैं, ठीक है। पैनल अगर अच्छा हो, अच्छी बिल्ड क्वालिटी हो, तो 8 एम्पेयर्स भी आपको मिल सकते हैं, 8 एम्पेयर्स के करीब भी मिल सकते हैं। अगर यही पैनल 180 वॉट्स का हो तो आपको 9.5 एम्पेयर्स तक भी मिल सकते हैं, लेकिन आमतौर पे
जब भी आप मार्केट से 150 वाट्स का पैनल परचेस करते हैं तो उसके टिपिकल एम्पेयर आप जो आपको मिलेंगे वो शॉर्ट सर्किट करंट इसको कहते हैं, ये है शॉर्ट सर्किट करंट। ठीक है, यानी कि आपने इन दोनों लीड्स को शॉर्ट किया तो आपको जो करंट मिल रही है वो, अभी ये जब हम इसको कनेक्ट करेंगे सर्किट के साथ तो इसके वोल्टेज और एम्पेयर थोड़े से ड्रॉप होते हैं। तो अब ये है कि इसकी जो एम्पेयर इतनी होने चाहिए और वोल्टेज जो है जैसे मैंने आपको बताया तो वो तकरीबन 20 से लेकर 22 वोल्ट्स के बीच में होना चाहिए, और एम की मैं रेंज यहाँ पे लिख रहा हूँ 7 to 8। ये तो हो गया वोल्टेज और करंट के बारे में कि इसको वोल्टेज और करंट कैसे मेजर करना है। अब अगला क्वेश्चन ये है कि क्या इस पैनल की इसको अगर जब हम परचेज करते हैं तो क्या इसकी ये जो प्लस और माइनस है ये क्या हम डायरेक्टली उठा के अपने फैंस और लाइट्स को फीड करके डायरेक्टली हम क्या लाइट और फैन के साथ फीड कर सकते हैं कि नहीं। अब ये है तो पहले मैं बात करता हूँ डीसी लाइट्स की। जाहिर में घर में जो आपके लाइट लगी होती है वो 220 वोल्ट्स पर ऑपरेट होती हैं, ये जो एनर्जी सेवर लगे होते हैं वो 220 वोल्ट्स पर चलते हैं, तो वो तो डायरेक्टली इससे कभी भी नहीं चल सकते, राइट? क्योंकि ये जो आपको पैनल वोल्टेज या करंट दे रहा होता है वो डीसी दे रहा होता है। ये जो इसके वोल्टेज होते हैं वो डीसी वोल्टेज होते हैं और इसके जो करंट होते हैं वो भी डायरेक्ट करंट, डीसी करंट और डीसी वोल्टेज होते हैं, फिक्स करंट होता है, अल्टरनेटिंग नहीं होता, लिहाजा वो आपका डीसी बल्ब चला सकता है, डीसी बल्ब चला सकता है, एसी बल्ब जो घर में लगे हुए हैं वो इससे नहीं चल सकते। पहली बात तो ये, अब ये डीसी बल्ब जो है ये ऑलमोस्ट 2 एम्पेयर से लेकर 2 एम्पेयर के दरमियान में आप कह सकते हैं 1 to 2 एम्पेयर के दरमियान में ये इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है, या स्ट्रिप लाइट आप डीसी लाइट यूज़ कर रहे हैं, स्ट्रिप लाइट या बर्गर लाइट्स आजकल मार्केट में आ रही हैं, जो भी है वो तकरीबन 2 एम्पेयर के आसपास एक लाइट जो है वो कंज्यूम करती है, यानी तकरीबन 20 से 25 वाट के करीब एक लाइट अच्छी जो जिसकी ब्राइटनेस जिसके लुमेंस अच्छे हों जिसकी ब्राइटनेस अच्छी हो मैं इसकी बात कर रहा हूँ, वैसे तो इससे भी कम 5 वाट्स की भी लाइट्स मार्केट में हैं। तो अगर आप एक बल्ब डीसी ले लें परचेज कर लें तो डीसी बल्ब फॉर एग्जांपल आपने ये प्लस और माइनस या आपने बल्ब परचेज किया और बल्ब जो है उसके जो एक प्लस होगा एक माइनस होगा, तो सवाल ये है कि क्या इस डीसी बल्ब को डायरेक्ट इस पैनल से कनेक्ट कर सकते हैं? तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि ये बल्ब ऑपरेट होता है 12 वोल्ट्स डीसी के ऊपर, और जबकि पैनल आपको कितने वोल्ट दे रहा है भी मैंने यहाँ पहले लिखा था, पैनल आपको जो वोल्टेज दे रहा है मैं यहाँ दोबारा लिख देता हूँ, पैनल आपको वोल्टेज दे रहा है 20 to 22 वोल्ट्स और एम्पेयर आपको दे रहा है 7 एम्प्स, तो 20 वोल्ट जो है वो इस डीसी बल्ब को बंद कर देगा, तो लिहाजा आप इस डीसी बल्ब को डायरेक्ट इस पे ना चलें, कुछ देर के लिए शायद चल जाए उसके बाद वो बंद हो जाएगा, हीट हो जाएगा, हीट अप होने के बाद बंद हो जाएगा। तो लिहाजा अब इसका क्या तरीका है इसको कैसे चलाया जाए अभी हम बाद में बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या फ़ैन भी दोबारा इसके साथ चलाया जा सकता है। मैं फ़ैन इकट्ठी दोनों की बात करना चाहता हूँ, तो पहले मैं फ़ैन के ऊपर भी आ जाऊँ। फॉर एग्जांपल आपके पास एक फ़ैन है और ये है डीसी फ़ैन, जिसको आमतौर पर चलें सीलिंग फ़ैन की बात करते हैं वो है ए सी डी सी फ़ैन जो मार्केट में मुख्तलिफ कंपनीज का आ रहा है, खुर्शीद का आ रहा है, ठीक है, इसी तरह GFC का आ रहा है, इसी तरह अल रेहान कंपनी का आ रहा है, ठीक है, और ढेर सारे ब्रांड मार्केट में इन हुए हैं। तो एसी डीसी फैंस जो हैं वो तकरीबन कंपनीज कहती हैं क्लेम करती हैं 30 वाट्स लेता है, लेकिन एक्चुअली वो स्टार्टिंग में 30 वाट्स नहीं लेता बल्कि वो तकरीबन 50 to 60 के दरमियान में ऑलमोस्ट वाट्स लेता है, लेकिन जितनी अच्छी क्वालिटी का फ़ैन होगा उतने वो वाट्स कम लेगा, तो ये कहा जा सकता है कि तकरीबन 40 to 60 वाट्स के बीच में एवरेज फ़ैन जो है वो लेता है। इसको हम ये कह सकते हैं 40 to 50 वाट्स। ये बात हो रही है एसी डीसी फ़ैन की। एसी डीसी फ़ैन का मतलब है कि ये वापडा से भी चलता है और ये सोलर से भी चलता है। इसके बारे में मैं मज़ीद बात करूँगा किसी दूसरी वीडियो में, अभी मैं पर्टिकुलरली बात करना चाहता हूँ सिर्फ पैनल के बारे में 150 वाट्स के। अच्छा, अब इसके भी ज़ाहिर है कि फ़ैन की जब वायरिंग हम करते हैं तो इसका भी एक प्लस और माइनस होता है। अब सवाल ये कि क्या ये एसी डीसी फ़ैन डायरेक्ट इस 150 वाट्स के पैनल से कनेक्ट कर सकते हैं या नहीं, और अगर कर सकते हैं तो क्या ये डैमेज हो जाएगा? तो इसका आंसर ये है कि करना तो ये चाहिए कि इसको डायरेक्ट नहीं चलाना चाहिए, मतलब टेक्निकली ऐसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये 20 वोल्ट्स दे रहा है और ये फ़ैन 12 वोल्ट्स के लिए डिज़ाइन हुआ है, लेकिन चूंकि ये वाइंडिंग है तो इसकी वाइंडिंग जो है वो इतनी वोल्टेज जो है वो बर्दाश्त 20 तक कर लेती है, तो लिहाजा अगर आप इसको बहुत से लोग देखा गया आमतौर पर कि पाकिस्तान में बहुत सी जगहों पर मैंने देखा है कि लोग डायरेक्ट विदाउट चार्ज कंट्रोलर लगाए डायरेक्ट इस प्लस माइनस को इसके साथ करके फ़ैन को चला रहे हैं, तो ठीक है फ़ैन चलता है, बाद लोग कहीं कहीं सालों से चला रहे हैं ख़राब नहीं हुआ, ऐसा भी हुआ है, और बाद लोग ऐसे हुआ कि अभी कुछ दिन हुए हैं तो फ़ैन ख़राब हो गया, सर्किट ख़राब हो गया, क्यों? ये वोल्टेज ज़्यादा थे और वो आपने 12 वोल्ट के फ़ैन को, ये 12 वोल्ट्स का फ़ैन है,
और आप इसको ऑपरेट कर रहे थे 20 पर, तो इसका इसके जो सर्किट इसके साथ आता है उसका ख़राब होने का खर्चा ज़्यादा होता है। तो रिकमेंडेड तो यही है कि इसको डायरेक्ट ना चलाया जाए, लेकिन बहुत से लोग चला रहे हैं। यानी कि अब क्वेश्चन ये कि चलाया जा सकता है कि नहीं, यस चलाया जा सकता है। तो सिर्फ फ़ैन ही एक ऐसी चीज़ है जो डायरेक्ट इससे चलाई जा सकती है और वो चल भी सकती है। इसका मैक्सिमम चांस है ख़राब नहीं होगी, 70% चांस है कि ख़राब नहीं होगी, लेकिन लाइट नहीं चला सकते। ठीक है जी, डायरेक्टली की डायरेक्ट अगर ये नहीं चला सकते, ये आप चला सकते हैं डायरेक्ट, राइट राइट। लेकिन रिकमेंडेड ये है कि चार्ज कंट्रोलर बीच में यूज़ करें। अब मैं आता हूँ चार्ज कंट्रोलर की तरफ, प्रॉपर वे क्या है, प्रॉपर वे क्या है। अगर डायरेक्ट नहीं लगा सकते तो फिर क्या तरीका है, तो वो ये है कि आप एक चार्ज कंट्रोलर का इस्तेमाल करेंगे। चार्ज कंट्रोलर क्या करता है, चार्ज कंट्रोलर की एक होती है इनपुट प्लस माइनस, और वो उस ये देखें माइनस को आप यहाँ कनेक्ट कर देंगे और प्लस को आप यहाँ कनेक्ट कर देंगे। मतलब यहाँ से आपने एक जो पैनल से आपके आ रहे हैं वोल्टेज और करंट, और ये कौन सी वायर आप इस्तेमाल करें, कम से कम आप यहाँ पर जो है वो 3 mm, क्योंकि एक ही पैनल है, 3 mm भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर इवन कि आप मार्केट में तो 2 mm से लेकर 4 mm के दरमियान कोई भी इसमें वायर यूज़ कर सकते हैं आप। ठीक है, तो 4 mm से ज़्यादा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, 3 mm का नॉर्मल 2 से 4 के दरमियान कोई भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से आपने इसका अच्छी DC वायर, याद रहे कि ये जो 2 mm से 4 mm मैं बता रहा हूँ, ये आपने DC में लेनी है। DC वायर अलग होती है और AC वायर अलग होती है, जो आपके घरों में वायर जो वायरिंग हुई हुई होती है, जो जो जिसको आमतौर पर 3, 29, 7, 29, 7, 36 जो वायरिंग हुई हुई है हमारे घरों में बल्ब और पंखों के लिए, ये DC वायरिंग नहीं होती। और इसके ऊपर DC वायरिंग के ऊपर अगर आप ये चलाने की कोशिश करेंगे, घर की वायरिंग के ऊपर अगर आप DC लोड चलाने की कोशिश करेंगे, तो आपकी हाफ एनर्जी ज़ाया हो जाएगी, आधी एनर्जी आप वेस्ट कर बैठेंगे। लिहाजा जब भी आप घर में AC DC फैन लगाएंगे, घर में DC लाइट लगाएंगे, तो आपको वायरिंग जो है इसकी अलग करनी पड़ेगी। अगला सवाल, क्या ये वायरिंग उन्हीं पाइप्स में कर सकते हैं जिन पाइप्स में घर में AC की वायरिंग चल रही है, यानी बाकी जो वायरिंग जो पाइप के अंदर जो दीवारों के अंदर जो पाइप्स होते हैं उसके अंदर जो 3, 29, 7, 29 में डाली हुई है, क्या उन्हीं AC वायरिंग के साथ आप DC वायरिंग कर सकते हैं? तो इसका आंसर है नो, नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि AC वायरिंग जो है वो इस DC वायरिंग को डिस्टर्ब करेगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली, तो लिहाजा टेक्निकली इसको आप इसमें इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो अब फिर क्या करेंगे, डेफिनेटली फिर आप इसकी सेपरेट वायरिंग करेंगे। जब आपको AC फैन इंस्टॉल करना हो या DC लाइट्स लगानी हो, तो इसके लिए डक पट्टी का इस्तेमाल करके सेपरेट वायरिंग की जाती है। तकरीबन 4 mm की वायर या 3 mm की वायर या 4 mm की वायर लेके या 2.5 mm की भी वायर लेके इसको जो है वो बेसिकली आप कर सकते हैं यूज़। उसके बाद आप अगर आ जाएं, ये चार्ज कंट्रोलर के बारे में मैं बात कर रहा हूँ कि चार्ज कंट्रोलर क्या करता है, कि यहाँ से जो सूरज की जो शुआएँ हैं वो एक जैसी नहीं रहती। देखिए ना, ये आप सन को ऐसे समझें कि इसकी जो इंटेंसिटी है वो इसके ऊपर एक जैसी नहीं रहती, वो वेरी कर रही होती है। तो जब इसके साथ डायरेक्ट लोड कनेक्ट होगा, तो ज़ाहिर है कि फ़ैन की स्पीड जो है वो उसके अकॉर्डिंगली चलेगी। अगर बाहर दिन में अच्छा सूरज निकला हुआ है, तपिश ज़्यादा है, तो ये फ़ैन ज़्यादा स्पीड से चलेगा। अगर तपिश ज़्यादा नहीं है, ठीक है, और बादल हैं, क्लाउडी वेदर है, तो डेफिनेटली ये फ़ैन की स्पीड स्लो हो जाएगी अगर आप डायरेक्ट चलाएंगे तो। इसलिए रिकमेंडेड ये है कि आप ये करें कि इसके साथ एक चार्ज कंट्रोलर का इस्तेमाल करें। चार्ज कंट्रोलर की इनपुट के ऊपर प्लस माइनस के ऊपर आप एक 150 वाट्स का पैनल इंस्टॉल कर दें। अब इसके साथ एक कनेक्शन आता है बैटरी का, प्लस और माइनस, यहाँ पर आप बैटरी एक लगाएंगे। अब एक पैनल अगर आप इस्तेमाल करें, तो बैटरी आप बड़ी इस्तेमाल नहीं करेंगे। बैटरी आप इस्तेमाल करें तकरीबन 20 amperes से लेकर तकरीबन 50 amperes के आसपास, 20 से 50 AH की बैटरी, 20 से 50 AH की बैटरी यूज़ करें अगर आप एक पैनल यूज़ करें, क्योंकि एक पैनल जो है वो बड़ी बैटरीज को चार्ज नहीं कर सकता। तो लिहाजा छोटी बैटरी का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। यहाँ पे आप लिखें प्लस और माइनस, और चार्ज कंट्रोलर की जो बैटरी का जो ऑप्शन जहाँ बैटरी लिखा होगा वहाँ प्लस से प्लस जोड़ देंगे, माइनस से माइनस जोड़ देंगे। अब हमने इस चार्ज कंट्रोलर से लेनी है आउटपुट प्लस और माइनस। फॉर एग्जांपल ये फैन पे कनेक्ट करनी है, तो इसकी प्लस दे के आप यहाँ फैन से कनेक्ट कर दें और माइनस इसकी ले के यहाँ कनेक्ट कर दें। अगर लाइट लगानी है, तो इसकी यहाँ से प्लस, ये प्लस ले के यहाँ कनेक्ट कर दें, और ये वाली जो माइनस है यहाँ से लेके यहाँ कनेक्ट कर दें। अब क्या होगा, फ़ायदा क्या हुआ चार्ज कंट्रोलर से, चार्ज कंट्रोलर यानी चार्ज को कंट्रोल करने वाला, ऊपर से चार्ज कभी ज़्यादा आता है कभी कम, कभी ज़्यादा आता है कभी कम। अगर इसको बीच में ना लगाया जाए
और डायरेक्ट ये उठा के बैटरी पे लगा दिया जाए, यानी पैनल की प्लस माइनस बैटरी से कनेक्ट कर दी जाए, तो इससे बैटरी जल्दी ख़राब हो जाएगी। क्यों? कभी आप कभी जो है वो ज़्यादा तपिश होगी तो ज़्यादा करंट आएगा, यानी कि फुल चार्जिंग होगी, उसके बाद ज़रा से क्लाउड आएंगे उसके बाद फिर चार्जिंग कम होने लग जाएगी, यानी कि कभी चार्ज ज़्यादा होगा कभी चार्ज कम, तो चार्ज कंट्रोल नहीं होगा। इसलिए हम चाहते हैं कि चार्ज कंट्रोल्ड रहे, यहाँ से जितना मर्जी चार्ज कम या ज़्यादा होता रहे, लेकिन इस पोर्शन के अंदर चार्ज वेरी नहीं होना चाहिए। यह है चार्ज कंट्रोलर का काम, वो रेगुलेट करता है फ्लो ऑफ चार्जेस को रेगुलेट करता है, तो ताकि यहाँ पे बैटरी आपकी ख़राब ना हो। चार्ज कंट्रोल लगाने का एक और मकसद भी बताता हूँ आपको, ये लोड इसको भी आपने बचाना है। अगर आप इसको इस वजह से मैंने पहले बताया कि डायरेक्ट कनेक्ट करेंगे विदाउट इस मैकेनिज्म के, तो जैसे मैंने पहले बताया कि ये लाइट ख़राब हो जाएगी, ये फ़ैन तो चल जाएगा लेकिन इसका भी सर्किट का ख़राब होने का खतरा रहता है हमेशा। तीसरा फ़ायदा चार्ज कंट्रोलर का, चार्ज कंट्रोलर आपकी बैटरी को भी ख़राब नहीं होने देता एक और वजह से। कैसे? कि अगर बाज़ का लोग क्या करते हैं कि लोड को डायरेक्ट बैटरी से चला रहे होते हैं, अगर आप लोड को डायरेक्ट बैटरी से चलाएंगे, यानी कि यहाँ इस पे कनेक्ट नहीं करेंगे बल्कि ये चीज़ यहाँ ये वायर्स यहाँ कनेक्ट कर देंगे, तो नुकसान क्या होगा? नुकसान ये होगा कि आपकी बैटरी जो है वो बहुत ज़्यादा सिंक होने लग जाएगी, यानी तकरीबन 5 से 6 वोल्ट पे आ जाएगी। 12-14 वोल्ट की बैटरी, जिसके मैक्सिमम 14 वोल्ट होते हैं, 14.5 के करीब जाते हैं, तो वो आ जाएगी किस पर? इस्तेमाल हो के कहाँ आ जाएगी? क्योंकि अब अगर रात के वक्त तो आप सूरज नहीं होगा, रात के वक्त की बैटरी इस्तेमाल हो रही होगी, तो बैटरी सिंक होते होते कहाँ तक पहुँच जाएगी? 5 से 6 वोल्ट पे। जब रोज़ाना ऐसे ही होगा, हर रोज़ ऐसा ही होगा, बैटरी आप रोज़ाना रात को खाली कर देंगे और सुबह फिर बहुत देर लगेगी उसको चार्ज होते हुए, तो अब होगा क्या? बैटरी एक दिन बिल्कुल ही नीचे चली जाएगी और ऊपर नहीं उठेगी वापस, यानी 5 से 6 वोल्ट बहुत ही कम वोल्टेज है, फिर एक दिन बिल्कुल ड्रॉप हो जाएंगे और फिर नेक्स्ट डे आप देखेंगे कि बैटरी जो है वो पूरी चार्ज नहीं हो रही। ये बहुत से लोगों के साथ होता है, चंद दिनों में लोग अपनी बैटरी ख़राब कर बैठते हैं सिर्फ चार्ज कंट्रोलर इस्तेमाल ना करने की वजह से। तो हमने इस वीडियो को, मैं ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता, इस वीडियो में आपको मैंने जो मालूम दी है इसको आपने मलूजे खाते रखना है। जब भी आप एक पैनल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको क्या क्या करना चाहिए, कौन सी वायर इस्तेमाल करनी चाहिए, वोल्ट कैसे चेक करते हैं, एम्पियर कैसे चेक करते हैं, लोड कैसे कनेक्ट करना है, मैं नेक्स्ट वीडियो में आप इसको फिर एलैबोरेट करूँगा। चार्ज कंट्रोलर को हम फिर तफसील से देखेंगे, एक एक चीज़ को मैं तफसील से बयान करूँगा। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।